ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों इस परीक्षा में बेहतर परिणाम के उपाय पर बात कर रहे हैं, चलिए रुद्राक्ष रत्न कवच के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए ये रुद्राक्ष रत्न कवच, चार मुखी रुद्राक्ष बाजार में अवेलेबल हो जाएगा एवं पन्ना रत्न के संयुक्त मेल से निर्मित होता है। रुद्राक्ष उसके साथ में पन्ना रत्न का जो कॉम्बिनेशन है, चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होने से विद्या प्राप्ति के लिए धारण करना शुभ माना जाता है। पन्ना रत्न जो रत्न है वो बुद्धि का विकास करता है, जिससे पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सरस्वती यंत्र, जिन विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने पर भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते, उन्हें ये यंत्र जो अपने घर में स्थापित करना चाहिए, अपनी टेबल पर रख दीजिए, पूजा घर में रख दीजिए और धूप दीप गंध अक्षत आदि से पूजन करिए। मंत्र ओम ऐं ब्रीं क्लीं सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन दो मंत्रों का यदि आप जाप करते रहेंगे तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आखिर में कुछ उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो टेबल पर एजुकेशन टावर, ये फेंगशुई के उपाय हैं, एजुकेशन टावर लगा दीजिए। इसके प्रभाव से बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और मन भी लगेगा। बच्चे की परीक्षा में शानदार सफलता के लिए जो आपका स्टडी रूम है इसमें स्फटिक जो गोला होता है वो उत्तर दिशा में उसको लटका दीजिए। एक नवरत्न का पौधा भी मिलता है तो बच्चों के नवग्रह को ठीक करता है, इसे भी उत्तर दिशा में रख देना चाहिए। विद्यार्थी अपनी जो टेबल है, स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ने की जो टेबल है उस पर ग्लोब रखें और दिन में 3-4 बार उसको घुमाएं। पिरामिड का जल अगर स्टूडेंट्स अगर पिएं या बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चे की सेहत ठीक होती है और बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है उन्हें नियमित रूप से 11 तुलसी के पत्तों का रस मिश्री के साथ देने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। परीक्षा भवन में मानसिक संतुलन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा का मजबूत होना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफ़ेद वस्तु का सेवन करने से, दान करने से, शिव के दर्शन करने से, शिव चालीसा पढ़ने से, छोटी उंगली में चांदी का छल्ला धारण करने से, चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्र मजबूत होता है। परीक्षा के दिन कपड़े पहनते समय शर्ट हो या पैंट हो अपना दाहिना हाथ और दाहिना पैर शर्ट पैंट में डालिएगा सबसे पहले। परीक्षा हेतु जाते समय प्रातः आधा किलो दूध मंदिर में दान करने से उस एग्जाम में सक्सेस मिलती है। और एग्जाम देने जाने से पहले मीठा दही और गुड़ खाकर अवश्य निकल लीजिएगा। अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो कुल मिला के आज मैंने आपको सरल से उपाय बताए हैं और मैं आप सभी जो हमारे बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और हमारे जितने भी स्टूडेंट दर्शक हैं उन्हें परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।